आज हम बनाएंगे कुकरी जॉकी कोडो मिलेट सोया चाप बिरयानी। इसके लिए हमें चाहिए कुकरी जॉकी का कोडो मिलेट, आधा कप कुकरी जॉकी कोडो मिलेट ले इसे 2 कप पानी में 8 घंटे के लिए भिगो ले। 1 कटोरे में 1/2 कप सोया चाप ले, इसे मैंने मोटे मोटे पीसेस में काट रखा है। इसमें 1/4 कप दही डालें, अल्पाहार हल्दी पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, अल्पाहार हल्दी पाउडर डालें, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालें, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर और 1 छोटा चम्मच गरम मसाला भी डाल दें। इसमें स्वाद अनुसार नमक डालकर सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लें। हमें इसे मैरिनेट होने के लिए कम से कम 1/2 घंटा अलग रखना है। नॉनस्टिक पैन में 2 बड़े चम्मच घी गरम करें, इसमें 1 तेज़पत्ता और 1/2 छोटा चम्मच जीरा डालें, 2 लौंग और चुटकी भर हींग भी डाल दें, 1/2 कप कटे हुए प्याज डालें, प्याज को गुलाबी रंग आने तक पकाना है। एक छोटा चम्मच हरी मिर्च, 1/4 कप टमाटर और 1 छोटा चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डालकर 2 मिनट के लिए अच्छे से पका लें। इसमें मैरिनेट की हुई सोया चाप डालें, सोया चाप को घी अलग होने तक पकाना है। इसमें भीगा हुआ कुकरी जॉकी कोडो मिलेट, 2 कप पानी और स्वाद अनुसार नमक डालें, 1 उबाल आने तक तेज आंच पर पका लें। पानी में उबाल आने पर इसे ढककर 8 से 10 मिनट के लिए मंदी आंच पर पकाएं। कुकरी जॉकी कोडो मिलेट सोया चाप बिरयानी बनकर तैयार है। इसे हरी धनिया पत्ती से गार्निश करें और मनपसंद रायता के साथ गर्मा गर्म परोसें। मैंने इसे यहाँ पे बूंदी के रायते के साथ सर्व किया है।